मुंबई से सटे थाने से सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह ने अपने बॉयफ्रेंड पर कार से कुचलने का आरोप लगाया है। इंस्टाग्राम पर घटना की तस्वीरें भी शेयर करते हुए प्रिया सिंह ने न्याय की गुहार लगाई है। प्रिया सिंह का आरोप है कि थाने के घोड़बंदर रोड पर स्थित ओवला में रहने वाले अश्वजीत गायकवाड़ ने कार से टक्कर मारी। इसके चलते उसके चेहरे शरीर के दूसरे हिस्सों में गंभीर चोट पहुंची। प्रिया सिंह ने खुद के हॉस्पिटल में भर्ती होने की तस्वीरें शेयर की है। प्रिया सिंह का आरोप है कि बॉयफ्रेंड के पिता के प्रभाव के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और स्मृति ईरानी और आदित्य ठाकरे को टैग किया है। इंस्टाग्राम के बायो के मुताबिक फिटनेस फैशन कंटेंट के साथ ब्रांड प्रमोशन से जुड़ी प्रिया सिंह से अश्वजीत सिंह ने पहले मारपीट की, इसके बाद हाथों को काटा। इतना ही नहीं, बाद में अपनी रेंज रोवर डिफेंडर कार से कुचल कर घायल कर दिया। प्रिया सिंह के मुताबिक आरोपी अश्वजीत सिंह महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संचालक अनिल गायकवाड़ का बेटा है। प्रिया सिंह के मुताबिक वो अश्वजीत के साथ कई सालों से रिलेशनशिप में थी, लेकिन अपने दोस्तों की सलाह पर उसके साथ ज्यादती की और कुचल कर मार डालने की कोशिश की। अब जब उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया है तो उसे धमकियां भी दी जा रही है। बहरहाल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। वही प्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर भी राजनीति गर्मा गई है। एक ब्यूरोक्रेट के बेटे पर लगे आरोपों पर हर कोई प्रिया सिंह का साथ देता दिख रहा है। हालांकि अभी सच क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। वही इस मामले में आरोपी अश्वजीत सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।